नमस्कार, मैं आस्था चौहान, आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में स्वागत करती हूँ। आइए रुक करते हैं खबर मध्य प्रदेश से। पन्ना जिले के पवई उप जेल में उस समय सनसनी फैल गई थी जब अपनी पत्नी और प्रेमिका के पति के हत्या के दो आरोपी जेल फाद कर भाग गए थे। इन खूंखार कैदियों ने एक ही बैरक में रहकर भागने की पूरी योजना बनाई थी। पन्ना पुलिस ने 10,000 के इनामी फरार आरोपी नारायण पटेल एवं शिव सिंह राठौर को गिरफ्तार किया। एसपी विवेक सिंह के मुताबिक शाहनगर निवासी शिव सिंह राठौर ने अपनी प्रेमिका के पति की हत्या कर दी थी और नारायण पटेल ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था। दोनों आरोपी 17 जून को जेल फांद कर भाग गए थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। कुछ नहीं, वहीं घूम रहे थे, अंदर एक ही बैरिंग में दोनों थे और वहीं से वो दीवाल फांद के बाहर भाग गए। फिर वहां से बाहर से हम लोग लौट रहे थे तो फिर ट्रेन में सर प्लानिंग बनाई थी एक बैरक में दोनों लोग ने। सर ऐसे ही बैठे बैठे मतलब कहां चढ़े, इतनी ऊंची दीवार कैसे फांदी ये बताओ। सर रस्सी से कैसे चादर फाड़ के सर और नकली वो करके फंसा के फिर चढ़े। ये 17/6/2018 को पवई उप जेल से मर्डर के दो अलग अलग प्रकरणों के आरोपी, मुख्य आरोपी जो थे वो पवई उप जेल से फरार हो गए थे और जो करीब एक महीने से फरार चल रहे थे, इनको ढूंढने के लगातार प्रयास किए जा रहे थे। आज दिनांक को इनके बारे में सूचना मिली कि ये कहीं पे पन्ना क्षेत्र में दिखे हैं, जिसके आधार पे जो टीम इनके उसको ढूंढने में लगी हुई थी वो तत्काल वहाँ पे पहुँच के इन दोनों को उसने गिरफ्तार किया है और अभी इसको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा की बेहतर व्यवस्था के लिए करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन अमा डोगरी पंचायत के सरकारी स्कूल के भवन खंडहर के तब्दील हो गए हैं। मामला डिंडोरी जिले के बजाफ विकास खंड की अमा डोगरी पंचायत का है। अमर डोंगरी के टिकरा टोला स्थित प्राथमिक विद्यालय भवन की हालत दयनीय हो रही है। स्थिति यह है कि भवन खंडरों में तब्दील हो रहा है, वहीं बारिश के दौरान जर्जर भवन के कारण हादसा भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि यहां भवन नहीं होने से कक्षा 1 से 5 तक की शालाओं को अतिरिक्त कक्षाओं में लगानी पड़ती है। शिक्षक के मुताबिक स्कूल भवन के बारे में उच्च अफसरों को अवगत करा चुके हैं, साथ ही ग्रामीण भी कलेक्टर से गुहार लगा चुके हैं। इसके बाद भी समस्या जस की बनी हुई है। इसको वो धाकड़ साहब आया था, उसके सामने प्रस्ताव दिए थे। अच्छा, समिति की ओर से। अच्छा, उसके बाद कलेक्टर मैडम आया था तो उसको गांव वाले ने शिकायत दिया। उसके बाद फिर एक प्रस्ताव और जमा किए हैं बीआरसी में। अच्छा, कोई भी अधिकारी आते हैं तो उनको बताते हैं कि हमारे मतलब इतना दिन से मतलब अतिरिक्त कक्ष में 5 कक्षाएं लग रही है। डिंडोरी जिले के करंजिया थाने की पुलिस ने घेराबंदी कर 2 लग्जरी वाहनों को रोका और 20 लाख रुपए की कीमत का गांजा बरामद किया, साथ ही एक महिला सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया। ये कार्यवाही जिले की मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा पर कबीर चबूतरा में वाहन चेकिंग के दौरान की गयी। छत्तीसगढ़ की ओर से आ रही लग्जरी कार को रोककर चालक से कागजात मांगे, तभी पीछे आ रही एक और लग्जरी कार को रोका तो दोनों कारों के चालक चकमा देकर भाग निकले। इस पर पुलिस ने घेराबंदी कर नारी ग्वारा के पास रोका तो दोनों वाहनों में सवार लोग वाहन छोड़कर भाग निकले, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से पकड़ लिया गया। इनमें से एक महिला सहित 7 शामिल है। जब दोनों करीब 1.5 क्विंटल गांजा रखा हुआ था, जिनकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से लाया जा रहा था। डिंडोरी जिले महेंद्रवानी में मेगा आश्रम से बच्चों को प्रोफाइल के नाम पर भगा दिया गया। इतना ही नहीं, छात्रावास अधीक्षक ने ये तक कह दिया कि शासन के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, इसलिए बच्चों को नहीं रख सकते हैं। महेंद्रवानी के बेगा आश्रम में 2 साल के बच्चे रहकर पढ़ाई कर रहे थे, मगर छात्रावास अधीक्षक ने मनमानी करते हुए छात्रों को प्रोफाइल के नाम पर छात्रावास से भगा दिया गया। साथ ही अधीक्षक ने कहा कि हमारे पास भोजन की व्यवस्था नहीं, इसलिए नहीं रख सकते हैं। अधीक्षक के मुताबिक सभी बच्चों के दस्तावेज पूर्ण नहीं है, ऐसे में उन्हें कागज लेने के लिए भेजा है। इधर बच्चों को सुबह छात्रावास निकाला तो वो पैदल रात करीब 8 बजे घर पहुंचे तो अभिभावक
भी हैरान हो गए। इसके बाद बच्चों ने अपने माता पिता को पूरा घटनाक्रम सुनाया। इससे अभिभावकों में आक्रोश है। ये जो आज राजनीतिक दलों के पास जो हमारे सहायता केंद्र आए हैं, ये निश्चित ही प्रशासन की नाकामी है। और प्रशासन इस पे अगर कोई ध्यान देता तो ये बच्चे वहीं पर जाते और वहाँ बैठे हुए नुमाइंदे किसी का कोई काम नहीं कर रहे हैं। और मंत्री का जिला है, वो मंत्री के जिले में अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश के कई गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। वहीं ग्रामीण विद्यार्थियों को अपना भविष्य बनाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। जी हां, हम ऐसे स्कूली बच्चों की बात कर रहे हैं जो स्कूल तक पहुंचने के लिए जान जोखिम में डालकर पहाड़ी नदियां पार करते हैं। डिंडोरी जिले के शहपुरा जनपद पंचायत के इंदौरी चंदवाही व घुड़ीसरई गाँव के बच्चे किरौंदी हायर सेकेंडरी स्कूल तक पहुंचने के प्रतिदिन इम्तिहान देते हैं। अपने गांव से किरौंदी तक जाने के लिए बच्चों को नदी में तेज के बहाव होने के बावजूद पुलिया पार करनी पड़ती है। स्कूल जल्दी पहुंचने की जिद में ये बच्चे मौत का सफर कर रहे हैं। जब इस मामले में जनपद पंचायत शिक्षा समिति के सभापति टेकेश्वर साहू को अवगत कराया तो उन्होंने प्राचार्य को समझाइश देते हुए कहा कि बच्चे भले ही 10 से 15 मिनट देरी से आए, लेकिन उनमें बड़े पुल से आना जाना करे, बच्चों को किसी भी हालत में नदी पार नहीं करने दिया जाए। डिंडोरी जिले के सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा शहपुरा में खाता धारक रजनी झारिया ने बैंक मैनेजर पर परेशान करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि मैनेजर के व्यवहार से लगभग सभी उपभोक्ता परेशान हैं। खाता धारक रजनी के मुताबिक दो पासबुक दिए गए हैं। पुराने पासबुक से कई सालों से पैसा आहरण होता रहा है। जब महिला पैसा निकलवाने आई तो तुम्हारे खाते में कोई पैसा नहीं है कहकर बैंक मैनेजर ने अभद्र व्यवहार कर भगा दिया। जब रजनी ने खाते में रुपए की नहीं होने की जानकारी बैंक मैनेजर से जाननी चाहिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, जहाँ शिकायत करनी हो करो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।